से महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग लगने का यह मामला है। इस पूरे मामले में एक और अपडेट सामने आया, आगजनी में झुलसे सेवक सत्यनारायण सोनी की मौत हो गई है। बता दें कि मुंबई के अस्पताल में सत्यनारायण सोनी ने दम तोड़ दिया। पहले इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में ले जाया गया था, भर्ती कराया गया तो उपचार चल रहा था और साथ ही बेहतर उपचार के लिए मुंबई में इलाज चल रहा था। 25 मार्च की सुबह भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग लगी थी। इस आगजनी में कुल 14 लोग झुलसे थे। इसी को लेकर ये पूरे मामले में जानकारी सामने आ रही है। सेवक सत्यनारायण जो कि इस हादसे में जख्मी हो गए थे, उसकी चपेट में आए थे, आग लगने के बाद चपेट में आए थे, उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी और इंदौर रेफर किया गया था, बेहतर उपचार के लिए मुंबई ले जाया गया। और अब इससे जुड़ी एक बड़ी खबर है, सेवक सत्यनारायण सोनी की मौत हो गई। पच्चीस मार्च की सुबह आरती के दौरान जब आग लगने की घटना घटित हुई